MA, PhD, DSC, तीन भारत सरकार के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता के योग्यता विद्वता के संबंध में सृजे अछूतों का अभूतपूर्व नेतृत्व करने से सदा विभोर जनता उन्हें स्नेह गर्वित आत्मविभाव से बाबा साहब कहने लगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अछूतों के सच्चे मसल नेता थे। किसी सच्चे नेता में तीन गुण होना आवश्यक होता है। पहला यह कि वह अपने जीवन काल से लोकप्रियता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका हो। दूसरा अपने ध्येय को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया हो। तीसरा जो है अपने बाद भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त सामग्री देकर के जीवन का रास्ता बना दिया हो। उन्होंने खूंखार जानवरों से भरे जंगलों में असहाय भटकते हुए पटुही को सही रास्ता दिखाया तथा अपनी रक्षा के लिए उनके हाथों में नाजुक बना दिया। भारतीय संविधान में राजनीतिक अधिकारों संसदों को सम्मिलित करके आत्मरक्षा का अस्त्र प्रदान किया तथा बौद्ध धर्म के सच्चे आज से 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में पैदा होता है, उसकी सेवा समाज में होती है, अंत में समाज के कंधे पर सवार होकर श्मशान की सैर करता है। मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहकर कहे मनुष्य बन सकता है। अगर एक छोटे बच्चे को भेड़ के झुंड में रखा जाए तो बच्चा भी भेड़ जैसा बोलना शुरू करेगा। तो सबसे पहले बाबा साहब ने शिक्षा पर ध्यान दिया और शिक्षा शिक्षा के बाद एकता और एकता के बाद संघर्ष। तो सबसे पहले शिक्षा, जिसके अंदर में शिक्षा नहीं है वो मनुष्य नहीं है बल्कि पशु के समान है। द मैन इज लाइक एनिमल विदाउट एजुकेशन, मनुष्य पशु के समान होता शिक्षा के बिना। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि एकता एकता में जो है एकता यूनिटी यूनिटी का स्ट्रेंथ एकता में बल होता है। हाउ कैन ए पुअर फैमिली विदाउट सफिशियंट मनी इफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कट डाउन। एक गरीब परिवार जो होता है वो विदाउट मनी का कोई काम कैसे कर सकता है। तो साथियों सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद वो जो है एकता और बाद में बाबा साहब ने संघर्ष कहा। जिसने जीवन दान दिया उसको ही हमने भुला दिया, जिसने हमको सम्मान दिया उसको नहीं हमने ध्यान किया। हम खोए हुए थे सपनों में, जब तक हम एक नहीं होंगे करना पड़ेगा साथियों अपने संविधान को बचाने के लिए। जब तक आप जो है साथियों हिंदुओं ने बाबा साहब को अछूतों का नेता मानने से इनकार कर दिया और गांधी जी को अछूतों का नेता मानने लगे। लेकिन प्रथम गोल में सम्मेलन जब लंदन में हुआ तो बाबा साहब अछूतों की अगुवाई करने के लिए जब लंदन में पहुंचे तो भारतीय सदस्य की हंसी उड़ा रहे थे कि अछूतों का नेता बी आर अम्बेडकर क्या बोलेगा। लेकिन बाबा साहब जब अछूतों का दृष्टिकोण रखा तो भारतीय नहीं अंग्रेज भी तंग रह गए। तो बाबा साहब ने कहा की आबादी इंग्लैंड के बराबर है उन्हें आज भी जबरदस्ती के गाते पर गुलामी कराई जाती है। यह एकमात्र कारण है शासनकारी त्रुटि और हिंदू समाज की रूढ़िया। मैं नागरिक शाही सरकार को लेकर के जनता द्वारा सरकार चाहता हूँ। मैं अपने भाई का बड़ा जब सत्ता अपने हाथ में आ जाती है साथियों। तो सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम परम हितैषी के रूप में हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका था। इनके पास सैकड़ों लेकर जाने लगे और अछूतों की दुख भरी कहानी लिखी हुई होती थी। इसी आशय का एक पत्र कोलाबा जिले के महानामक
जब बाबा साहब ने पत्र को पढ़ा तो उनके अंदर जो है दलितों के ऊपर किया गया अत्याचारों का वर्णन लिखा हुआ था। ये महात्मे एक साथ आपसे पानी पीना चाहते हैं दलित लोग, तो उनको उनके जो है घर जला दिए गए, उनके बेटी बहन को उनको दिया गया। तो साथियों को बाबा साहब ने कहा कि जब तक तुम लोगों ने अपने तन बंधन से जो है उनकी धारा नहीं बहाओगे तुम्हें समझता नहीं मिलेगी। साथियों तो बाबा साहब ने अपने पुत्रों के साथ में जब हाथ पहुंचते हैं सत्याग्रह की तैयारी हो चुकी थी, बाबा साहब में उतारू हो चुके थे। तो जब बाबा साहब वहां पहुंचे पानी पीने के लिए तो नगर पालिकाओं ने उनको जो है लोगों ने उनको जो है रोकना चाहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत है नहीं है कि दलितों को पानी पीने से रोके। तो साथियों बाबा साहब फिर आगे बढ़े, लड़ाई चली और दलितों और उनका केस चला और बाबा साहब जीते हुए। जय श्री राम।